फ्रेंड्स, अभी देखिए हम लोग घाट पे आ गए हैं और डायरेक्ट आपको घाटपट से ही दिखा रही हूँ। आ जा छोटी छोटी, आ जा। वो लोग अपना खुद का वीडियो बना रही है, फोटो शूट कर रही है और अभी सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ से दिखाऊंगी आपको कि अभी सुबह वाली अर्घ है, यानी कि शाम वाली तो आप लोग के साथ शेयर कर दी। ये सूर्योदय अर्घ है, इसके बारे में बाद में आप लोग के साथ बातें करूंगी। तो पहले यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। लेकर आ गया पैदल पैदल, है ना। सबसे ज़्यादा पुण्य तो इसको मिलेगा, पूरा दौरा उठाया है, डलिया उठाया है। यहाँ पे बच्चे पटाखे वगैरह छोड़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो व्रत रखती हैं, तो किरण जा रही है स्नान करने, तो हाथ में दिखा रही है फूल, अक्षत और सिक्के हैं और सुपारी रख करके स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। तो जितना सूप होता है उतने बार स्नान करने के बाद ही सूप लिया जाता है। और सूप लेने से पहले आंचल में घी से 5 बार तिलक और सिंदूर से 5 बार तिलक लगाया जाता है, उसके बाद सूप लिया जाता है। उसके बाद जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो शाम के टाइम में जल से दिया जाता है और मॉर्निंग के टाइम में दूध से दिया जाता है। तो देखिए सूर्य भगवान आ गए हैं, तो सबका व्रत आज पूरा हुआ है। तो यहाँ पे सब लोग दूध से अर्घ दे रहे हैं, तो शाम के टाइम जैसे हुआ था वैसे ही अर्घ देने का सेम सिस्टम है। तो सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब देते हैं, जिनके घर में नहीं भी होता है तो सब लोग वहाँ पे घाट पे जाते हैं। उसके बाद किन्हीं को भी आप दे सकते हैं, जो भी छठ किए रहते हैं ना, तो किन्हीं को भी जल और दूध अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से छठ व्रत का जो भी मुझे आता था वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स छठ व्रत पूरा हुआ, यानी कि आज जो सुबह की जो अर्घ थी वो हो गई। उसके बाद सब लोग सूर्य भगवान को जल अर्पण किए हैं और यहाँ पे हुमाद दीप हुमाद दे करके सब लोग जैसे बोलते हैं ना हुमाद वगैरह देते हैं, वैसे ही सब लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे जो व्रत रखती हैं उनका पारण है, तो ठेकुआ, गुड़, केला और अदरक है जो मेन चीज़ होता है, और पानी की जगह पे दूध का शरबत पी करके व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद देने के बाद तिलक लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और गोद भरते हैं। तो जो नए भी किसी के जान पहचान के होते हैं ना, तो भी घाट पे जा करके सब लोग इस तरह से प्रसाद लेते हैं और सुहाग लेते हैं। और ये जो मैं कपड़े से पोछ रही हूँ, तो जो व्रत रखती है ना उनका ये कपड़ा है, तो उन्हीं के कपड़े से सब लोग अपना फेस शरीर पोछते हैं। बोलते हैं कि जितने भी कष्ट होते हैं ना वो सब दूर हो जाते हैं। और जो व्रत रखती हैं फ्रेंड्स, उनका पलटा धोने के लिए यानी उनकी साड़ी धोने के लिए लोग मांगते भी है। इस तरह से व्रत पूरा हुआ और सब लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर उसके बाद सबको तिलक लगाया जा रहा है, सिंदूर लगाया जा रहा है, यानी कि जो सुहागन महिलाएँ हैं वो सुहाग लेती हैं, खोइचा भरती हैं, यानी आँचल में फल फ्रूट लेती हैं। दो कन्याएँ भी थीं, उन्हें भी फल फ्रूट और तिलक लगाया गया। और यहाँ पे व्रत जब हो गया तो बोलते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो आंचल में फल फ्रूट लेके ही जाना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स जितना मुझे याद आ रहा था उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल वॉइस इसलिए बंद की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे छठ के गीत हो रहे थे, तो इस वजह से कॉपीराइट ना आए इसलिए मैं वॉल्यूम म्यूट कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग के साथ मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ जो सब लोग जानते हैं, छठ पर्व बिहार में मनाया जाता है, मगर आप पूरी दुनिया के लोग सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पण करते हैं, यानी सूर्योदय जब होता है तो सब लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं, चढ़ाते हैं। पर यह छठ ऐसा पर्व है जो सूर्यास्त को भी पूजा किया जाता है, यानी डूबते सूर्य को भी पूजा होती है, उपासना होती है। तो इससे यही है कि जो अस्त होता है वो उदय भी होता है। तो इस तरह से सूरज की किरणों से तो दुनिया सजती है, ये सब लोग जानते हैं, और इनकी प्रार्थना से हर के ज़िंदगी में रंग भरती है। तो इस तरह से छठ महापर्व पूरा हुआ, ये 4 दिन का त्यौहार था और जितना हो सके मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर
कमेंट्स कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल पे, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रसाद खा लिए हैं, मतलब छठ पूजा पूरा हो गया, सूर्योदय का भी जो था अर्घ वो भी हो गया, और जो प्रसाद बनता है वो सबको मिल गया है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। अब हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।